भारत सरकार केंद्र मंत्री जी किशन रेड्डी, जहां वो कोयला मंत्री हैं और पहुंचे कोयला नगरी धनबाद में और हवाई अड्डा पे उनका भव्य स्वागत हुआ। बीसीसीएल के सीएमडी तथा कोल इंडिया के चेयरमैन ने उनका स्वागत किया। हवाई अड्डा पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद कोल मंत्री अधिकारियों के साथ रवाना हो गए और वो बीसीसीएल के हर क्षेत्र से रूबरू होना चाहते थे। भूदशान एरिया, अग्नि प्रभावित क्षेत्र, सब जगह जाकर के उन्होंने आम जनता से मिला और उनकी समस्या को पूछा। सबसे पहले उनका दौरा शुरू हुआ सिजुआ से, सिजुआ के बाद कुसुंडा, कुसुंडा के बाद झरिया की परियोजना का दौरा किया और अग्नि क्षेत्र को भी, जिसमें विस्थापित लोग बेलगड़िया टाउन झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित होकर बेलगड़िया टाउनशिप का भी कोयला मंत्री ने निरीक्षण किया। वहां के लोगों से भी रूबरू हुए, उनकी समस्या भी सुनी। बीसीसीएल स्थित पंचवटी इको पार्क में पौधा लगा करके पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए एक संदेश भी दिया और आम जनता से अपील भी की कि किसी न किसी बहाने हर फंक्शन पार्टी पे उस नाम पे एक पेड़ जरूर लगाएं। देश की कोकिंग कोल की बढ़ती मांग को लेकर के बीसीसीएल पर विशेष फोकस किया गया। इसके लिए बीसीसीएल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी। कैबिनेट के एजेंडे में झरिया पुनर्वास योजना शामिल है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी अग्नि प्रभावित क्षेत्र में, भूदशान क्षेत्र में रह रही है। विस्थापन और पुनर्वास कोयलांचल के लिए एक प्रमुख मुद्दा भी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव भी नजदीक, ऐसे में कोयला मंत्री का धनबाद आना और अग्नि प्रभावित क्षेत्र और भूदशान क्षेत्र में बसे लोगों से मुलाकात करना, ये कहीं न कहीं चुनावी मामला भी लग रहा है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कोयला मंत्री ने कहा कि मैं यहां के लोगों से मिलने आया हूं, उनकी समस्या को जानने के लिए पहुंचा हूं। आइए देखिए हमारी संवाददाता चंदन पॉल की एक रिपोर्ट धनबाद से। गांव के सभी भाई बहनों को और हमारे सांसद दुल्लू माता को, हमारे कोल मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी और कोल इंडिया के चेयरमैन और जिला के अधिकारी और अन्य सभी आए हुए हमारे कर्मचारी और गांव के रहने वाले भाई बहनों को मैं हृदय से नमन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश पर मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ जाया हूं। मैं एक महीना होगा इस कोयला मंत्री बनकर, मैं भी गांव में रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, इसलिए मैं किसान परिवार से आता हूं। आज प्रधानमंत्री जी का आदेश पर आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं, अलग अलग जगह लोगों से मिलेंगे, क्योंकि समस्या है भारत में, आज का नहीं 100 साल से, जो अंदर कोयला जलते रहते हैं, गरीब लोग आसपास बसते रहते हैं, जिंदगी गुजारते रहते हैं, अस्वस्थ होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, स्वास्थ्य खराब होते रहते हैं, ऐसा 100 साल से जूझ रही है, जब ब्रिटिश का जमाने से शुरू हो गया, मगर इस समस्या का हल नहीं हो पाया। आज एक मिशन मोड पर प्रधानमंत्री जी इस समस्या को हल करने के लिए निर्णय किया है। प्रधानमंत्री जी का आदेश पर मैं आज आपके लोगों के बीच में आया हूं, आपका सुन रहा हूं, मैं सभी जगह जहां विज्ञापन ले रहा हूं, अधिकारियों से बात कर रहा हूं,
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारियों से भी मिलूंगा। सभी लोगों से बात करने के बाद मैं प्रधानमंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा, जो भी आपका राय है, आपका मन में जो दुखी है, आपके मन में जो समस्या है, मैं प्रधानमंत्री जी को बताने के लिए उनका दूता बनकर मंत्री के नाते आपके बीच में आया हूं मैं। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।